दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ड एप्लीकेशन में एक नया अपडेट आया है, जिसमें आप बीओबी वर्ड एप्लीकेशन में अदर बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारा कमेंट आया था कि हमने बीओबी वर्ड एप्लीकेशन में अदर बैंक अकाउंट को ऐड तो कर दिया है, लेकिन उसको कैसे अनलिंक करें, कैसे रिजेक्ट करें, कैसे डिलीट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ड एप्लीकेशन में अगर आप अदर बैंक को ऐड कर दिए हो तो उसको कैसे अनलिंक करेंगे, कैसे रिजेक्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे। सारा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो पसंद के लिए जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने बीओबी वर्ड एप्लीकेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐड किया हूँ उसको आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिलीट करके दिखाऊँगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे बीओबी वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर दे रहा हूँ। ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे अपना लॉगिन पिन या तो बायोमेट्रिक्स में लॉगिन हो जा रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे व्यू ऑल अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट दो है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐड किया हूँ बीओबी वर्ड के अंदर। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, जैसे मेरा यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर है, यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐड किया हूँ बीओबी वर्ड के अंदर। ठीक है, तो यही अकाउंट मैं डिलीट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, मैं बैक करता हूँ और आपको यहाँ पर ऐड अदर बैंक अकाउंट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको यहाँ पे इंटर करना है, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए, मैं ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ। ओटीपी इंटर करने के बाद में वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने बैंक की लिस्ट आ जाएगी, आपको अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, अनलिंक करना चाहते हैं। तो चलिए, मैं स्टेट बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा स्टेट बैंक का, और यहाँ पे स्टेटमेंट पीरियड आ जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और आपको इस बैंक अकाउंट को बीओबी वर्ड के अंदर डिलीट करना है या अनलिंक करना है तो आपको यहाँ पर कंसेंट देना है, इस पर टिक करना है, और आपको यहाँ पर रिजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इसलिए मैं रिजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है कि यानी कि अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं तो आपको कुछ समय प्रोसेसिंग में लग सकता है, यानी कि एक या दो दिन या कुछ ही घंटे भी लग सकता है प्रोसेसिंग में रिजेक्ट करने के लिए यानी डिलीट होने के लिए। तो इट्स ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कंसेंट रिजेक्ट सक्सेसफुली हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसेंट रिजेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ समय आपका लग सकता है। चलिए, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ क्या डिलीट हुआ है या कुछ समय लग सकता है। यहाँ पे व्यू ऑल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर शो हो रहा है। यानी कि दोस्तों, इसमें आपको कुछ समय लग सकता है, ये एक या दो दिन लग सकता है या दो या चार घंटा लग सकता है, क्योंकि यह अभी नया नया अपडेट आया है, यानी कि न्यू फीचर इसमें ऐड किया गया है, तो इसमें आपको कुछ समय भी लग सकता है। लेकिन आप इसी तरह से अगर आप भी बीओबी के अंदर कोई भी अकाउंट ऐड करते हैं तो आप इसी तरह से उसको डिलीट या रिजेक्ट या अनलिंक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए।